हिंसा मामले में पिछले महीने भड़की हिंसा को लेकर आज बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पीएफआई के प्रेसिडेंट परवेज और सेक्रेटरी इलियास को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है। दिल्ली दंगों की साजिश का इन पर आरोप है। फंडिंग को लेकर भी इनसे पूछताछ की जा रही है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, इनसे पूछताछ में अभी तक क्या कुछ सामने निकल कर आया है, किस तरह से ये हिंसा से जुड़े हुए थे? देखिए, इसके पहले आपको बता दूं कि दानिश जो एक शख्स था जिसको दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने त्रिलोक पुलिस से गिरफ्तार किया था, उसे पूछताछ में कई अहम लीड स्पेशल सेल को मिली थी, जिसके बाद आज जो पीएफआई का प्रेसिडेंट है दिल्ली का परवेज और सेक्रेटरी इलियास, इसको गिरफ्तार किया गया है। दानिश को जब पुलिस ने अरेस्ट किया था स्पेशल सेल ने, तो उसने पूछताछ में खुलासा किया था कि उसे फंडिंग हुई थी और वो शाहीन बाग इलाके में जो एनटीसीए प्रोटेस्ट के दौरान महिलाएं पर्दे पर बैठी थी उनको खाना पहुंचाने के लिए जाता था। उसके अलावा दिल्ली दंगों की कॉन्स्पिरेसी के बारे में भी खुलासा किया था, जिसके बाद अहम लीड मिली। हालांकि आपको बता दूं कि स्पेशल सेल के पास पहले से ही इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन थी और लगातार इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही थी, जिसके बाद परवेज जो प्रेसिडेंट है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, उसको और सेक्रेटरी इलियास उसको गिरफ्तार किया गया। इन पर आरोप है कि दंगों के दौरान साजिश था और फंडिंग का आरोप है। फिलहाल पूछताछ चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।